आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे नौजवान शख्स की जो मध्य प्रदेश के सौसर तहसील के मोहगांव से हैं, सैयद अरशद अली, जो सन 2007 में महानगरी मुंबई में अपने आप को कामयाब बनाने के लिए पहुंचे, जिनका पेशा कंप्यूटर हार्डवेयर का है। इसके बाद भी मुंबई जैसे व्यस्त शहर में सैयद अरशद अली समाज सेवा में दिन रात लगे रहते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी खूबसूरत है इस नाम से एल्बम भी लॉन्च किया है। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता सलीम रहमान से और क्या खास बातचीत की सैयद अरशद अली ने। दर्शकों, INN न्यूज़ में फिर से एक बार आपका स्वागत है और इस वक्त मैं मुंबई की सरजमी पर मौजूद हूँ, जिसको महानगरी कहा जाता है। और ऐसी शख्सियत, ऐसे शख्स, नौजवान शख्स से मैं आपको मिलाने वाला हूँ। कहा जाता है महानगरी आने के बाद अपने आप को स्ट्रगल करना, अपने आप को जद्दोजहद करना, मेहनतें करना, और हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। मेरे साथ एक नौजवान शख्स मौजूद है यहाँ से, सैयद अरशद अली, जो MP से बिलोंग करते हैं, 2008 पे आकर मुंबई शिफ्ट हुए। अरशद जी, INN 24 न्यूज में आपका जी शुक्रिया। अरशद जी, मुंबई आने का आपने सोचा, क्या मोटो आपने अपने आप को रखा था, क्या स्ट्रगल आपने मुंबई में आकर किया? एक्चुअल में मैंने मुंबई में स्ट्रगल तो बहुत किया हूँ, और जब मैंने शुरुआती दौर में देखा मुंबई में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे कंप्रोमाइज करना पड़ा लाइफ के साथ में, उसके बाद में जाके कहीं अपनी जिंदगी पटरी पे आई, स्लो ट्रैक से फास्ट ट्रैक पे। अब देखिए कि बचपन से लेकर जवानी तक पूरी जिंदगी स्ट्रगल में रही, तो हमेशा दिली ख्वाहिश थी कि अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ दूँ, लोगों को मोटिवेट करूँ। तो इसी सिलसिले में हम हमेशा ये चाहते हैं कि लोगों को मोटिवेट करते रहे, तो मैंने इसी कड़ी में एक सीरीज अभी शुरू की है जिसका नाम है जिंदगी खूबसूरत है। जैसे जिंदगी खूबसूरत के आपके मैंने एल्बम भी देखा है, आपके शॉर्टकट वीडियोस भी लॉन्च आप करते हैं, वो कैसे आपके जहन पे, क्योंकि आप पेशे से एक यहाँ पे बिजनेस पर्पस बिजनेस में हैं, और अचानक वो आपके कैसे दिमाग में आया जो आपने जिंदगी दिल से है एक एल्बम लॉन्च किया, और उसके बाद लगातार हम देखते हैं आपका सोशल नेटवर्क में कभी ना कभी एक से बढ़ के एक वीडियो लॉन्च होते रहते हैं। एक्चुअल में आज हर समाज में, हर सोसाइटी में एक ही प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गया, हैप्पीनेस से रिलेटेड हो गया, हेल्थ से रिलेटेड हो गया। हमारे नौजवानों में कोई अवेयरनेस नहीं है अपने लक्ष्य को लेके, कि उनकी जिंदगी का कोई पर्पज हो, लाइफ जीने का एक अंदाज हो, किसी मकसद से जी रहे हो, किसी खास अंदाज में जी रहे हो लाइफ को। तो इसी चीज को मैंने सामने रखते हुए, ताकि अपने नौजवानों को, लोगों को अवेयरनेस आए, उनकी जिंदगी का कुछ पर्पज बने लाइफ जीने का, ताकि वो दूसरों के काम में आए। हम अपने लिए तो सब कुछ करते ही है, लेकिन अगर दूसरों के लिए करें तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी पर्पज से मैंने एक मोटिवेशनल सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है जिंदगी खूबसूरत है। उसके और भी बहुत सारे एपिसोड आएंगे, आप जरूर देखिएगा। जिंदगी खूबसूरत, ये नाम कैसे सोचा आपने, इसके पीछे रीजन क्या है? एक्चुअल में जिंदगी खूबसूरत है एक मेरे दिल की आवाज थी। मैंने हमेशा जिंदगी को इम्पोर्टेंट दिया है, लाइफ को मैंने कभी ऐसे कभी मैंने किसी के सामने बोला नहीं कि कट रही है या चल रही है। मैंने लाइफ को एक सेलिब्रेशन, एक स्टेज के तौर पे मैंने हमेशा काउंट किया उसको, और मैं जिंदगी को सेलिब्रेट करने वाला इंसान हूँ, और मैं हमेशा सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि जिंदगी को सेलिब्रेट कीजिए। यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप INN 24 न्यूज के माध्यम से? यूथ जनरेशन जो आज की 21वीं सदी कहा जाता है कि आज बहुत जिंदगी बहुत स्ट्रगल नहीं बल्कि इंसान सीधे आसमान पर उड़ रहा है, तो अपने तरफ से अपने क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ, खासतौर से यूथ? एक्चुअल में मेरा एक ही मैसेज है यूथ को कि न आप भागिए न रुकिए, बस चलते रहिए, अपनी जिंदगी को ऐसे चलाइए, किसी भी मोड़ पर आप हारिए मत। अगर आपकी जिंदगी में कोई भी तकलीफ आती है तो उसका सामना कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती इंसान की जिंदगी में, चाहे वो तकलीफ हो या सुख हो, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आप एक फेलियर से कभी हारिए मत, फिर से उठ के खड़े होइए और फिर से चलना शुरू कर दीजिए, यही मेरा एक मैसेज है आप। अच्छा जी, आखिरी सवाल मेरा आपका ऐसे रहेगा, सारी चीजें आपने मुंबई आकर स्ट्रगल किया, 2008 में आप मुंबई आकर शिफ्ट हुए, और अभी जिस पोजीशन पे आप है, इन सब के पीछे, कामयाबी के पीछे किसका हाथ है, किसको आप मानते हैं?
देखिए, हर शख्स के पीछे कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, और मेरी जिंदगी में हमेशा मेरी मोटिवेशनल मेरी वाइफ रही है। उसने मुझे हर मोड़ पे साथ दिया है, और आज मैं जहां भी हूं, बेशक हर इंसान के पीछे उसके माँ बाप का हाथ होता है, वो तो है ही, लेकिन मेरी वाइफ ने हमेशा मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चला, और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे हर फैसले में मेरे साथ में थी, तो उसी को मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इस मेरी कामयाबी का। जिंदगी खूबसूरत का आने वाले समय पे दर्शकों के बीच में क्या मोड़ और कौन सा एल्बम उसकी कड़ी लॉन्च करने वाले हैं आप, और कब तक? देखिए, ये नेक्स्ट मंथ में श्योरली हो जाएगा शायद लॉन्च, और मेरे अगले टॉपिक होंगे रिलेशनशिप पे होगा, और हैप्पीनेस पे होगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ पे होगा, तो इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक कवर करूंगा। इसमें मेरे आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मैं बहुत फॉलो करता हूँ, जिनके आदर्शों को पे ही मैं चलता हूँ, और मैं समझता हूँ कि हर स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से बढ़कर कोई इंस्पिरेशन नहीं हो सकता इस हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप पढ़ रहे हो, तो जरूर एपीजे अब्दुल कलाम को फॉलो कीजिए। इस सीरीज में मैं उनका भी एक टॉपिक कवर करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए खासकर, तो आप जरूर देखिए। यही मेरे नेक्स्ट टॉपिक रहेंगे जो मैं यूट्यूब पे रिलीज करूंगा, जिंदगी खूबसूरत है। अक्षत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आईएनएन 24 न्यूज से बात करने के लिए। ये थे सैयद अरशद अली, जो मुंबई में अपने आप को स्ट्रगल करते हुए इतना आगे बढ़े, और हर कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, जिस पर उन्होंने अपने माँ बाप के साथ साथ अपनी वाइफ, अपने जो हम सफर जिंदगी की हम सफर है, उनको श्रेय दिया, और लास्ट में एक मैसेज दिया जो यूथ के लिए जनरेशन है, जो छात्र हैं आज के, उनके लिए अगर उनको आगे बढ़ना है तो सबसे अच्छा मैसेज उन्होंने दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के दिखाए हुए राह पर चले। कैमरामैन अंकुश नाहर के साथ सलीम रहमान, मुंबई।